नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित मोबाइल कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही यहां आपको मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वो भी 3000 से अधिक विशाल प्रश्नों के संग्रह के साथ। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्या होगी खास बात, सुनिए सत्येंद्र सर से। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और मैं यहां पर आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ाऊंगा। और इस सब्जेक्ट में आपको मेरे साथ यहां पर भारतीय विषयों की जो मूल अवधारणा है उसको किस प्रकार से यहां पर इंप्लीमेंट करें छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट पे, छत्तीसगढ़ विषय में, ये आपको पता चलेगा। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो अवधारणा है, वो 0 से लेकर 100% तक कैसे बनेगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसको कैसे याद रखा जाए, हम इस पर भी बात करेंगे। हेलो दोस्तों, अभी तक हमने 1885 से लेकर 1900 तक की बात की थी और उस समय जहाँ पर राजनीतिक जागृति या पॉलिटिकल अवेयरनेस कहाँ कहाँ पर छत्तीसगढ़ में फैलता और किस किस घटनाओं के द्वारा हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस दिखता, ये हम लोगों ने देखा था। 1891 यानी 1891, 1894 और 1899 के आधार पर। अब हम जो नेक्स्ट जो स्लॉट देख रहे हैं, ये वाला जो टॉपिक है, ये कनेक्टर हमने बनाया हुआ है, यह है 1900 टू 1908 यानी कि 1900 से लेकर 1908 के मध्य छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। 1900 और 1908 की जब मैं बात करूँ तो सबसे पहले 1900 में मैंने नाम लिया माधवराव सप्रे जी का, ठीक, और 1908 में भी मैंने नाम लिया माधवराव सप्रे जी का। 1900 में मैंने नाम लिया माधवराव सप्रे की पत्रकारिता की शुरुआत का, यानी कि छत्तीसगढ़ मित्र का, यानी कि छत्तीसगढ़ मित्र से माधवराव सप्रे ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। और माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी 1908 की बात कर रहा हूँ, ये जो गिरफ्तारी होती है यह हिंद केसरी के कारण होती है। हिंद केसरी में लिखे कुछ लेख होते हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होते हैं, जिसके कारण माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी होती है। यानी कि हम अगर बात करें 1900 से लेकर 1908 तक, तो ये हमने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जागृति पत्रकारिता के माध्यम से हम देख सकते हैं और इस बीच हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो ये एक पढ़ने का तरीका हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, हम छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय आंदोलन होगा उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के आधार पर अध्ययन करते हुए जाएंगे। 1902 में अहमदाबाद कन्वेंशन, 1903 में मद्रास। देखिए, कलकत्ता, भारत को अगर चार भागों में बांटा जाए, इधर कलकत्ता, फिर हमने इधर आया, फिर नीचे आया और फिर आया, यानी कि इस तरह से हमने मैपिंग किया हुआ है। तो पहले कलकत्ता, कलकत्ता के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद मद्रास, मद्रास के बाद बम्बई, ठीक। उसके बाद ध्यान रखना है, फिर से हम बनारस चले गए। 1905 का कन्वेंशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी की शुरुआत होती है। और 1906 का जो अधिवेशन है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर यहाँ पे लड़ाई होती है। और 1907 के अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे सूरत विभाजन या कांग्रेस विभाजन देखते हैं। और 1908 में माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी, यानी कि 1901, 1902, 1903, 1904, साथ ही साथ 1905, 1906 एवं 1907, इस तरीके से हम 7 कन्वेंशन देखेंगे। और 7 कन्वेंशन देखने के बाद इनसे संबंधित जो घटनाएं होंगी उसे हम देखेंगे। इससे महत्वपूर्ण जो होगी वो 1905 की घटना, उसके बाद 1906 की घटना, और फिर उसके बाद हम देखेंगे 1907 की घटना। हम देखेंगे कि इस समय छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, और वो ब्रिटिश हुकूमत किस तरह से उसका रिएक्ट करता है, और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो राजनेता है उन लोगों ने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी भूमिका निभाई। थैंक यू। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.competitioncommunity.com। इसके अलावा इस मोबाइल कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप एक डेट और सेव कीजिए, 22 दिसंबर 2019। इस दिन से लॉन्च होने वाला है FTR यानी कि फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें।